रविंद्र जी स्वागत है आपका। हमने आपका वो गुस्सा देखा, हमने आपका वो दुख देखा जब राकेश पंडिता की मौत के बाद आपने जाहिर किया। किसको मानते हैं आप राकेश पंडिता की मौत के पीछे जिम्मेदार, केवल आतंकी या ये कहानी पाकिस्तान तक जाती है? राकेश पंडिता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज और जुझारू कार्यकर्ता थे। 90 के दशक से जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम सीमा पर था, उस मुश्किल हालात में भी वो बड़ी दिलेरी और बुलंद हौसलों से उन्होंने कश्मीर घाटी में हमेशा भारत माता का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। उन्होंने कभी आतंकवादियों की परवाह नहीं की, वो हमेशा भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन लोकल बॉडी शहरी निकाय चुनाव हुए, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा और त्राल जैसे वो क्षेत्र जो कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में आते हैं, वहां उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता और वहां की म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने और वहां के अंदर जाके डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। केवल वहां रहने वाले कुछ परिवार जो हिंदू और सिख हैं वही नहीं, वहां के जो मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उनके पास आते थे डेवलपमेंट के कामों के लिए और उस सारे क्षेत्र के अंदर उनका अच्छा प्रभाव था। यही बात इन पाकिस्तानियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को चुभती रही कि कश्मीर घाटी के अंदर एक कश्मीरी पंडित, जिसके ऊपर कश्मीर के मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, वहाँ के रहने वाले जो उसके मुसलमान दोस्त हैं उसका उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और इसी का कारण रहा कि एक साजिश के तौर पर राकेश पंडिता जी को निशाना बनाया गया। ये सब पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादी। लेकिन रविंद्र रैना जी, अगर परिवार के लोगों की बात सुने तो परिवार के लोग तो और भी आगे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई लोकल लोग उस टिप ना देते तो राकेश पंडिता त्राल कैसे गए, कब गए, आतंकियों को कैसे पता चलता। हो बिल्कुल, वो भी संभावना है। कुछ काली भेड़े होती हैं, कुछ काली भेड़ों के कारण एक मछली जब गंदी होती है तालाब में तो पूरा तालाब गंदा करती है। सारे लोग कश्मीर के सारे मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की होगी। आखिर जो राकेश पंडिता जी थे, जब त्राल के अंदर अपने एक मुसलमान दोस्त के घर में थे और उसके घर पर जब हमला हुआ तो उनके दोस्त की बेटी भी घायल हो गई, उसको भी गोली लगी है। बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि उनका वहां के अंदर बहुत बड़ा सम्मान था, इज्जत थी उस त्राल के अंदर और वो बहुत जांबाज आदमी थे, देशभक्त आदमी थे, कर्मठ आदमी थे। अच्छा, मैं हमेशा इस बात को और आगे बढ़ाऊं, इस बात को और आगे बढ़ाऊं, कश्मीर की बात करूं, धारा 370 की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मेरा और है। क्या आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स भी है? उनको दो पीएसओ मिले थे लेकिन जब वो वहां त्राल में थे उनके साथ तो सुरक्षा कर्मी नहीं थे, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हैं। सिक्योरिटी लैप्स का मामला तो अभी जांच के दायरे में है, उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट्स आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस सारे मामले की छानबीन कर रही है, कहां क्या दिक्कत परेशानी हुई और कौन कौन साजिश करने वाले हैं। जैसे घर के सदस्यों ने कहा है कि उनको शक है कि वहां कोई ना कोई ऐसा स्थानीय, कोई ऐसा जासूस, कोई षड्यंत्रकारी लोग कुछ हो सकते हैं जिन्होंने आतंकवादियों तक ये जानकारी दी हो कि वो अपने दोस्त के घर में वहां रुके हुए हैं और एक और कोई उनका दोस्त मुसलमान परिवार जिनके पिताजी की डेथ हो गई थी उनके घर में वो अफसोस करने गए थे और वहां साथ ही साथ जहां डेवलपमेंट के काम जो उनके त्राल म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत जो चल रहे थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी वो गए थे और वहां से निकलते निकलते अपने दोस्त के घर में चाय पीने गए और इस प्रकार से आतंकी साजिश हुई और उन पर हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गए। लाजमी है कि ये चीजें शक के दायरे में आती हैं कि किसी न किसी ने, हम कोशिश कर रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी से भी हम जुड़े और उनसे भी इन सारी बातों का हम सवाल, इनसे जुड़े सवाल पूछे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।